हम एक बार किसी काम के लिए वहां गए, वो सिर्फ आप किया कि जब आया वोटों का टाइम हमारे को ले गए वोट डाल दिए, फिर हम एक बार किसी काम के लिए वहां गए, बोला इन गुजरों वो सिर्फ आपको तब दिखेंगे जब वोटिंग हो, जब इलेक्शन टाइम हो। हम आपको कोई वोट नहीं मांग रहे, हम इतना कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ चलो। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जीत साहब जिंदाबाद, रामजीत साहब जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। बैठला हूँ, पानी पंचायत से हूँ। हमने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन इसलिए किया है कि हम पहले कोई पीसी के साथ से कुछ इंजीनियर के साथ थे, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ है। इन लोगों में जो मुश्किलात है आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। अगर हम ज्वाइन किया इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा ये काम होकर रहेगा। फजल दिन बटाना है, पंचायत हल्का मोनोबल से हूँ। आज तक मैं पीसी के साथ था, आज इंशाल्लाह मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहा। पार्टी को छोड़ दिया कि हमारा आज तक कोई काम हुआ नहीं, जिसने भी जो काम किया झूठे वादे किए। मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ, हल्का है बांडी में। मैं पहले भी पीसी के साथ हूँ, लेकिन आज तक मैं इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूँ और मैं बीजेपी के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी काम आज तक नहीं हुआ। हमें खाली क्या वादे ही दिखाए, आज हम ये करेंगे कल वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड में कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हम गए वहाँ, हमने यही देखा कि ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है। पिछले 70 सालों से लोगों के साथ सिर्फ इस्तेमाल किया जो अदर रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया उन्होंने ग्राउंड लेवल पे। तो बीजेपी के साथ यही उम्मीद है इनकी, और इंशाल्लाह हम इनके काम करते जाएंगे। 30 से ज्यादा फैमिलीज ने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी में, और हम इनको वेलकम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोगों को समझ आ रहा है कि मोदी जी ने जो काम कश्मीर में वो कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग अब खुद खुल के बीजेपी के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। जो अपर एरियाज है, जो बैकवर्ड एरियाज है, उनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ के जो आम इंसान है, इनको पिछले 70 सालों से यहाँ सिर्फ धोखा मिला, कोई काम नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। तो मेरी अपील यही रहेगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और यहाँ पे जो मसाइल है वो हल किया जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की